योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर खेल विभाग ने आज व कल 3 जुलाई को सब जूनियर ताइक्वांडो बालक बालिका 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के वर्ग का प्रतियोगिता का आयोजन तरणताल स्टेडियम में किया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह ने किया। सीओ ने खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया। विशिष्ट अतिथि लखीमपुर के क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार भारती रहे। प्रतियोगिता में न्यू नेशनल मोंटेसरी आर्य कन्नाइटर कॉलेज, लखनऊ पब्लिक स्कूल, सिंघानिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गौरीबाल विद्या मंदिर, आर के एशियन इंटर कॉलेज, विद्या ज्ञान पब्लिक स्कूल कमलापुर, सरस्वती विद्या मंदिर, स्पोर्ट स्टेडियम ट्रेनीज, सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज, सुमित्रा इंटर कॉलेज, आरजीडी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, रघुराज इंटर कॉलेज आदि स्कूलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें अंडर 44 भार वर्ग में पुर्णेश चंद्र स्वर्ण, पृथ्वी सिंह रजत पदक पाया। इसके अलावा बालिका वर्ग में अंडर 23 भार वर्ग में नूर स्वर्ण पदक, सानवीर रजत पदक, संस्कृति मिश्रा कांस्य पदक प्राप्त किया। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक सुरेंद्र कुमार लाल ताइक्वांडो प्रशिक्षक रहे। इस मौके पर जिला खेल कार्यालय के हॉकी प्रशिक्षक विवेक सिंह, एथलेटिक्स से प्रशिक्षक मयंक एवं समस्त कार्यालय स्टाफ मौजूद रहा। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100 दिवस की कार्य योजना विभिन्न विभागों को, हर विभागों को कोई ना कोई कार्य सौंपा गया है, तो इसमें खेल विभाग को 100 दिन की कार्य योजना में हर जनपद को एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कराना है। उसी क्रम में ये सीतापुर जनपद में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का, जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन, जो कि अंडर 14 आयु वर्ग में, बालक बालिका आयु वर्ग में कराई जा रही है, और माननीय जिलाधिकारी के निर्देशानुसार इस प्रतियोगिता को कराया जा रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।